हेलो हाय गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ। देखिए मैंने बाल बाल भी धो लिया है और मैं नहा चुकी हूँ और नहा के मैं जस्ट आके यहाँ पे बैठी हूँ अपने चेयर पे। और मेरी जो सिस्टर है वो झाड़ू वाड़ू लगा रही है, उधर चाय बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए मेरी सिस्टर झाड़ू लगा रही है, ये देखिए। ये देखिए इधर झाड़ू लग रहा है, ये देखिए यहाँ ये झाड़ू लग रहा है, यहाँ पे सब सामान रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए चाय बन रही है शायद। हाँ जी चाय बन रही है, देखिए चाय की खुशबू आ रही है ना आप लोग तक, आप लोग के पास पहुंच रही है ना चाय की खुशबू। बहुत अच्छी चाय बनी है, देखिए देखिए। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर चाय बहुत अच्छा बनाती है, ये देखिए। तो मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, पर इसकी खुशबू से मैं आज ये चाय पीकर आप लोग को दिखाऊंगी कि ये चाय कैसी बनी है। बहुत अच्छी चाय है देखिए। तो और अभी किचन का काम भी बाकी पड़ा हुआ है, अभी इनको भी करना है पूरा। ये देखिए अभी अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, किचन भी अभी गंदा है, इनको सब साफ सुफ करना है अभी। और ये बाल्टी वाल्टी है, इनको आज धोना पड़ेगा, धो के इनको वॉश करना है पूरा। तो इस वाले कमरे में तो ये झाड़ू लगा चुकी हैं। देखिए देखिए इस कमरे में झाड़ू लग रहा है, पहले वाले कमरे में झाड़ू लगा रही है और ये दूसरे वाले कमरे में झाड़ू लगा चुकी है मेरी सिस्टर। और उधर चाय बन रही है, अभी पोछा ओछा लगाना बाकी है, थोड़ा सा किचन का काम है अभी, उसको भी करना है। ये मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, देखिए मेरी चाय बन चुकी है और मेरी सिस्टर चाय बना के मेरे लिए लेके आई है और इसमें गुलगुले हैं खाने के लिए। तो मैं चाय को चख के बताती हूँ कैसा बना है। बहुत ही मस्त है, बहुत बढ़िया चाय बनी है और इसलिए इसे मैं पीऊंगी। और आप भी ऐसी चाय बना के लुत्फ़ उठा सकते हैं, पी सकते हैं, बहुत ही अच्छी चाय बनी है। ये मसाले वाली चाय है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैं चाय पी लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ।
फोटो जो है गंदा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ये साफ हो जाएगा तो चमक आ जाएगी इसमें, थोड़ा सा साफ हो जाएगा ये देखने में भी अच्छा लगेगा। अभी पंखे को साफ कर दूं, कोई दूसरा कपड़ा दे दो मुझे पंखा साफ करने के लिए, कोई दूसरा कपड़ा देना। इसकी गंदगी यहाँ नीचे गिराएंगे, बिस्तर पे नहीं, ऐसे साफ कर देंगे ताकि यहाँ गिर जाएगा सारा। पंखा बहुत गंदा हो गया है, बहुत ज्यादा। पहले इसको सूखे कपड़े से साफ कर लेंगे ताकि इसका धूल नीचे गिर जाए, यहाँ पे साफ हो जाए अच्छे से, फिर इसको गीले कपड़े से थोड़ा सा साफ कर देंगे ऐसे। देखिए कितना सारा जा रहा है, नहाना धोना सब बेकार। मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। इसको मैं पानी से साफ करके थोड़ा सा, और फिर इसको मैं हल्का सा सैनिटाइजर से भी साफ करूंगी, सैनिटाइजर लगाते। बिस्तर पे धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए, बड़े सावधानी के साथ इसे साफ करना होता है क्योंकि बिस्तर मेरा साफ है। मैं गीले कपड़े से साफ कर रही हूँ पंखे को, अब मैंने इसको गीले कपड़े से साफ कर लिया है। ये सैनिटाइजर है और मैं सैनिटाइजर अब पानी से साफ करने के बाद सैनिटाइजर से पंखे को साफ कर रही हूँ ताकि और साफ और स्वच्छ हो जाए और इसमें चमक आ जाए अच्छी, और इसके जो भी जर्म्स या कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे इससे।
ऐसे। बिल्कुल सावधानी के साथ करना, आंखों में ना चला जाए सैनिटाइजर, नहीं तो आंखों में ये जलन पैदा कर सकता है और आंखों में दर्द बना देगा, क्योंकि तो इसमें थोड़ा सा केमिकल भी होता है। आप इसे पास से देख सकते हैं, ये देखिए कितना चमक गया, ये बिल्कुल साफ हो गया है। ये देखिए, ये देखिए कितना साफ हो गया। इसको मैंने सैनिटाइजर से साफ किया, पहले इसको मैंने कपड़े से साफ कर दिया था, उसके बाद मैंने इसको पानी से साफ किया, उसके बाद ये सैनिटाइजर से मैंने इसको साफ किया। आप देख सकते हैं ये पंखा कितना अच्छा चमक गया है, कितना साफ हो गया है, और इसके कीटाणु भी मर गए हैं, क्योंकि पंखे के अंदर भी बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हवा के द्वारा पंखे के ऊपर आ जाते हैं, और इसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो इसको फाइनली हमने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है, और अब हम दूसरा काम करेंगे। अब कृष्ण भगवान की फोटो है, फ्रेम वाली फोटो है, तो इसके भी हम सैनिटाइजर का यूज करेंगे। सैनिटाइजर इसको पहले मैंने कपड़े से पोंछ दिया था, गीले कपड़े से हल्का सा, और अब हम इसको सैनिटाइजर से थोड़ा सा साफ कर देंगे। आप देखेंगे सैनिटाइजर के बाद ये कितना अच्छा साफ हो जाता है, इतनी प्यारी चमक आ जाती है, और ये बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा चमक गया, देखिए कितना अच्छा साफ हो गया ये। ये देखिए पंखे का जाला कितना निकला है, ये देखिए आप पास से देखिए कितना जाला निकला है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए गंदगी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अभी मैंने इसको साफ किया है, ये देखिए पंखा बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल एकदम साफ, ये देखिए। अब ये मेरी बहन थोड़ा सा इधर का जाला साफ कर रही है, इस साइड का, यहाँ पे थोड़ा सा जाला हो गया था, और उसके बाद ये टीवी को भी थोड़ा सा सैनिटाइजर से साफ कर देंगे। यहां से इस साइड से थोड़ा कर दे साफ, यहाँ का तो यहाँ का जाला साफ हो गया है इस साइड का। अब थोड़ा बहुत और जाला होगा कमरे में, तो उसकी सफाई हम कल करेंगे, फिलहाल आज की सफाई हम इधर की ऐसे ही करेंगे, इस साइड की सफाई हम इतना ही कर देंगे फिलहाल तो, और कल सफाई करेंगे उधर से और इधर का भी, जो जहाँ जहाँ मतलब दिखेगा हमें। अभी इधर तो कोई जाला दिख नहीं रहा है, तो इधर सही है, और टीवी साफ हो चुका है। सैनिटाइजर से किया ना, सैनिटाइजर से किया है, सैनिटाइजर से करना था टीवी साफ। ये मैं सैनिटाइजर से साफ करवा रही हूँ टीवी को, बस बस अब तुरंत साफ कर दो उसको। हाँ ऐसे पीछे से बिल्कुल अच्छे से कपड़ा मारा है, पीछे से बैक साइड से, हाँ ठीक है ठीक है, अब हो गया। हाँ एक्चुअली मैं उस पर चढ़ नहीं पा रही थी, चढ़ तो जाती लेकिन मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं ही चढ़ के साफ कर देती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है तू कर दे इधर, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ कंप्यूटर पे भी कपड़ा मार दो सैनिटाइजर से ही, टेबल वगैरह टेबल पे मार देना, टेबल पे।
लैपटॉप पे। हाँ तो देखा आपने, इधर की तो सफाई हो चुकी है और ये टेबल भी साफ़ हो गया, टीवी साफ़ हो गया है और ये दिल जो है नीचे पड़ा हुआ है, इसको भी धोना है, साफ़ करना है, जाला बहुत सारा है अभी। इस कमरे में पोछा लगाना बाकी भी है अभी। ये देखिए मेरे सिस्टर जो है बर्तन धो रही है, थोड़ा सा बर्तन बाकी था तो उसी को धो रही है, साफ़ कर रही है। और ये देखिए मैं थोड़ा सा मैगी खा रही हूँ आलू की सब्जी के साथ, सादा सिंपल बनाया है तो ऐसे ही खा रही हूँ। आज वैसे भी मेरा खाने का कुछ मन था ही नहीं, तो सुबह से ही मेरी इच्छा नहीं थी कुछ भी खाने की, तो मैंने सोचा चलो मेरी सिस्टर कह रही है आप थोड़ा सा, मैं आपको मैगी बना के दे देती हूँ, थोड़ा सा आप खा लो, तो इसलिए मैं इसे खा रही हूँ। और ये बर्तन धो रही है, बर्तन बर्तन धो के उसके बाद फिर देखते हैं आगे अभी क्या करना है, फिर मिलते हैं आपसे मैगी खा के और बर्तन धो के, मिलती हूँ आपसे। देखिए मेरी बहन जो है जोत पत्ती जला रही है, ये देखिए मंगलवार का प्रसाद चढ़ा रही है बजरंग बली को। अभी वो धूप जला रही है, धूप जला के और उनको धूमन करेगी अभी, और अब वो प्रसाद को चढ़ा रही है हनुमान जी को, प्रसाद का भोग लगा रही है हनुमान जी को।